कल जो लोग संसद में घुसे थे उनमें से अगर कोई मुसलमान होता तो आज बीजेपी पूरे देश और विश्व भर में हल्ला मचा रही होती। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। मुसलमान कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा करके ईदगाह नहीं बनाते हैं, मैंने कहा था। बाबरी मस्जिद के इस फैसले के बाद आरएसएस की शरारत बढ़ेगी। शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे को मंजूरी से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी। वाराणसी की ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वर को मिली मंजूरी, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। यूपी के बाद महाराष्ट्र में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने की मांग, मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने जताया विरोध। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे का सितम जारी। उड़ान के लिए अयोध्या एयरपोर्ट तैयार, 30 तारीख से रोजाना चलेंगी फ्लाइट्स। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा, यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी। संसद में हमले के आरोपियों की 7 दिन की पुलिस हिरासत, कोर्ट ने दी, कहा जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जाएगी। पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़, ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, ट्रेन में खड़े होकर लोग सफर करने को मजबूर। दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, 3 विधायक कांग्रेस के डिनर में हुए शामिल, भाजपा ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन, बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले के घर पर चला बुलडोजर। बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए बनेंगे 4 स्टेशन, मिट्टी जांच के बाद शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, मिलेगा मुआवजा। दिल्ली को मिला 500 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, एलजी सीएम ने दिखाई हरी झंडी। फरीदाबाद में नुहिंसा के आरोपी बट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला, अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग। राम भक्तों के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, तमाम राम भक्त मंदिर अभिषेक के अवसर पर अयोध्या आएंगे और रास्ते में माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, अधिकारी का दावा। मथुरा में प्रेमिका से मिलने के शक में युवक को नंगा कर पीटा, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा हुआ दर्ज। नई संसद में लगातार आ रही समस्याएं, परसों एंट्री गेट पर रोके गए एक सांसद, कई बार मंत्रियों को नहीं मिलते अपने कमरे। फरीदाबाद में किशोर ने लालच देकर 3 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने हिरासत में लिया। फरीदाबाद में कचरा डालने को लेकर भिड़े पड़ोसी, 16 लोगों ने कर दिया हमला, 3 गंभीर रूप से घायल। कनेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, कर जिससे परेशान पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत, फंदे पर लटके एक ने खाया जहर। अलवर बेटी ने की पिता की हत्या, बोली वह शैतान था, नाबालिग भाई के साथ मिलकर गला घोटा, पत्नी को मारा करता था। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ हेड कांस्टेबल शहीद, कांकेर में गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। हरियाणा में बंद होंगे 8 टोल प्लाजा, सीएम बोले लोगों को 22.50 करोड़ बचेंगे, 210 अवैध कॉलोनियों को वैध किया।